नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करता हूँ आप लोग सभी बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे राजा भाई से, जो कि एक ट्रक ड्राइवर है, और जानेंगे उनकी मुश्किलों के बारे में और क्या ये लोग खुश है ये काम करके, और एक ट्रिप के दौरान उन लोगों को क्या क्या चीज का सामना करना पड़ता है। तो मेरे इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी इनेबल कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए और आप लोग उस वीडियो को एंजॉय कर पाए। और हां दोस्तों, अगर आप लोगों को टाटा 3118 टी का टॉप 5 फीचर्स के बारे में जानना है, तो मेरी इस वीडियो को देखिए, जिसका आई बटन में लिंक आ रहा होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया रहेगा। तो दोस्तों, ये रहा ट्रक जो कि हम लोग का राजा भाई चलाते हैं। ये है टाटा 3118C BS4 मॉडल में, जो कि दोस्तों फुल ओवरलोड बॉडी का साथ बिल्ड किया हुआ है। तो ये ट्रक हमारे भैया कोलकाता से चला के यहाँ पर आए हैं, जो कि करीब 700-800 किलोमीटर का करीब होता है। और ये है इस गाड़ी का कैबिन का व्यू, जो कि कुछ इस तरह से सजा हुआ है। तो चलिए राजा दा से इस गाड़ी के बारे में कुछ जान लेते हैं। नमस्कार भैया, आपका नाम क्या है? आप कहाँ से हो? बंगाल, कोलकाता। अच्छा अच्छा, अभी आप कहाँ पर आए हो? सिलीगुड़ी में आए हैं। ये भैया हम लोग यहाँ पर सिलीगुड़ी में आए हुए हैं, ये कुछ अनलोड कर रहे हैं। सफ़ेद का जो सफ़ेद डिटर्जेंट है, इसका माल को अनलोड करने के लिए सिलीगुड़ी आए हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मेरा घर भी सिलीगुड़ी में ही है। तो चलिए इन ड्राइवर भाई से कुछ बात कर लेते हैं। तो राजू दा, का जो लोड होता है गाड़ी का, ये लोड मिलने में क्या आप लोगों को प्रॉब्लम होता है कि मिल जाता है? कभी भी गाड़ी खाली नहीं रहता है? गाड़ी खाली नहीं रहता है, अच्छा ही बात है। और जो आप जब लोड लेके जाते हैं कहीं पर, तो वहाँ पर जो मालिक रहता है, उन लोग के आप लोगों से अच्छा व्यवहार करता है कि बुरा व्यवहार करता है? ना ना ना, अच्छा व्यवहार करता है। कभी कभी मैंने सुना है जो आप लोग जाते हैं, दो तीन दिन लेके लोड नहीं होता है, आपको ऐसी गाड़ी लेके रास्ता का किनारे खड़ा रहना पड़ता है, ऐसा भी क्या आपके साथ होता है? होता है, कुछ समय होता है। तो आपको प्रॉब्लम नहीं होता है? नहीं प्रॉब्लम। खाने पीने का? खाने पीने का बाजार है, वो तो है। अच्छा, आपको पता है कि गवर्नमेंट जो है आप लोगों के लिए रूल बनाया है, अगर आप लोग ज़्यादा दिन, एक दिन से ज़्यादा अगर अनलोडिंग के लिए आप लोग रुके हैं, तो आप लोगों को दिन का लिए, आप लोगों का जो ट्रांसपोर्टर है या फिर जो भी कंसाइनी है, आप लोगों को पैसा देना पड़ता है पर डे 2000 रुपये। आपको पता है ये चीज़? तो नहीं पता है ना, लेकिन आप लोग जान लीजिए, ये जो है कि अगर आप लोग एक दिन से ज़्यादा अनलोडिंग में अगर रुके हैं, तो पर डे आप लोगों को 2000 रुपये करके देना पड़ता है, जो कंसाइनी होता है। आप लोगों को मिलता है ऐसा? नहीं मिलता है ना। अच्छा राजू जी, तो अब हम इस गाड़ी के बारे में कुछ बताइए, ये जो गाड़ी है ये क्या लोन में है? लोन है ना, तो किस्ती, तो ये कितना किस्ती पड़ता है इसका? 65। तो ये पहले जो आप जो चेसिस जो लिए थे, ये चेसिस कितना में लिए थे? नदिया से ईस्टर्न नगर, मतलब कितना मिले हो गए? 25 लाख, 30 लाख, 26 लाख। 26 लाख मिले थे। और बॉडी बनाने में कितना लगा? 38-39। अच्छा, तो ये कहाँ से बनाया आप बॉडी? कृष्णनगर से बनाया। कृष्णनगर से नदिया। तो बॉडी में क्या, या फिर चेसिस में, गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आया अभी तक जो आपने ले आया है 5-6 साल से गाड़ी? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं। तो ये तो BS4 मॉडल है, इसमें तो ECR का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है? सब कंप्यूटर है ना। हाँ, सब कंप्यूटर। अच्छा अच्छा, और जो गाड़ी का जो टायर है, ये टायर कैसे, मतलब आपने चेंज किया है? चेंज तो करें। ये तो कितना दिन में घिस जाता है टायर? टायर 1-1.5 साल, 1.5 साल, 1.5 साल में घिस जाता है ना। तो एक टायर का भी कितना दाम है? एक टायर में 22-23 हज़ार। 22-23 हज़ार। तो आपके गाड़ी में तो 14 टायर लगता है ना? आपके गाड़ी में तो 14 टायर लगता है? 13 टायर लगता है। 12 टायर, 12 और एक तो स्टेपनी टायर। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो दोस्तों ये 12 चक्का गाड़ी है, मैंने आप लोगों को पहले शायद 14 चक्का बोला था, तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। ये 12 चक्का गाड़ी है, ये 3118C जो पहला वाला मॉडल है BS4, ये वाला मॉडल है। मेरे चैनल में BS6 मॉडल का भी रिव्यू दिया है मैंने, आप लोग अगर वो देखना है तो आई बटन में उसका लिंक आ रहा होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा। तो ये जो गाड़ी है, ये आपका खुद का गाड़ी है कि मालिक का गाड़ी है? ना, मालिक का गाड़ी है। मालिक का गाड़ी है ना। तो ये कौन सा मॉडल है? BS4 का मॉडल है। BS4 मॉडल 2017-18? 2016। और ये कितना चक्का का गाड़ी है? ये 12 चक्का गाड़ी है। 12 चक्का गाड़ी है। तो राजू जी, मेरा जो सब्सक्राइबर ये जानना चाहते हैं, जो 3118C है, इसका जो ग्रेडिबिलिटी है, मतलब ग्रेडिबिलिटी मतलब चढ़ाई चढ़ने का जो क्षमता है, ये कैसा है? पहाड़ों में क्या ये गाड़ी आराम से चढ़ जाता है? आराम से चढ़ जाता है ना। तो आपको पता है इस गाड़ी का ग्रेडिबिलिटी कितना है? वो तो आपको नहीं पता होगा शायद दोस्तों, मेरे हिसाब से इस गाड़ी का ग्रेडिबिलिटी 18% है। दोस्तों ये है मेरा पार्टनर, ये हम लोग यहाँ पर काम करता है, इसका नाम है बिकिदा। बिकिदा थोड़ा हाथ हिला दीजिए। ओके बिकिदा, थैंक यू। तो दोस्तों फिर से हम लोग आ चुके हैं राजू शेख के यहाँ पर। तो राजू जी,
अब मुझे बताइए बंगाल में जो पुलिस का जो ये जो आप लोगों का जो डिस्टर्ब करता है, जो प्रॉब्लम करता है पुलिस, ये क्या बंगाल में उतना ही करता है जितना दूसरा हरियाणा है दिल्ली इस सब में करता है? नहीं नहीं नहीं, वो बाहर का नहीं है, वो बंगाल से करता है। बंगाल से करता है ना, नदिया मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट वहाँ पर बहुत पुलिस बहुत परेशान करता है। अच्छा अच्छा राजू जी, रॉबरी ठीक है सर, डेकॉइट्स जो मिलते हैं जो आप लोगों को परेशान करता है, चोरी डकैती करता है, वो क्या इधर हम लोग का इस स्टेट में या फिर आपका साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है? नहीं नहीं ऐसे कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ, अच्छा अच्छा। तो राजू दा, तो ये गाड़ी चला रहे हैं आप कितना साल से? तो बहुत अच्छे है साल। 5-7 साल हो गया होगा। 4 साल। 4 साल। इससे पाँच साल। इससे पहले आप क्या करते थे? इससे पहले आप क्या करते थे? कुछ नहीं, स्कूल पढ़ाशुना करता है। अच्छा अच्छा, मतलब आप कंट्रैक्टर ही या फिर जो गाड़ी का साथ रहता है हेल्पर, वो नहीं थे, डायरेक्ट ड्राइवर बन चुके हैं? हेल्पर है। वो हेल्पर, वो आप हेल्पर थे, अभी ड्राइवर बन चुके हैं। है। आपका मतलब हेवी लाइसेंस भी होगा? है। अच्छा राजू दा, ये जो आप जो हेवी लाइसेंस जो बना चुके हैं, ये हेवी लाइसेंस बनाने के लिए आपने क्या किया हुआ है और इसका प्रोसीजर मतलब ये करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ा? ट्रेनिंग दिया है ना। और ये हेवी गाड़ी जो है ये कितना मतलब ये पहले हेवी गाड़ी का, पहले तो आप छोटा गाड़ी चलाते होंगे कि डायरेक्ट हेवी गाड़ी में आ गए? डायरेक्ट हेवी गाड़ी में। ठीक है राजू, तो आप कुछ पर्सनल सवाल पूछ लेते हैं, जैसे आपका सैलरी कितना है? सैलरी मतलब आपको किसा कितना पैसा मिलता है? सैलरी नहीं है, टिप हिसाब। मतलब एक टिप का? एक टिप का 4,000-5,000। और बाहर स्टेट जाने से? वो एक ही है ना, वो ठीक ही साहब। और राजू दा, ये तो हम लोग ने सुने हुए जो ड्राइवर जो होता है, इस ड्राइवर का जो जिंदगी होता है बहुत ही कठिन होता है। हाँ, कठिन होता है। हाँ, घर से बाहर रहना पड़ता है, तो आपको बुरा नहीं लगता है? है, बुरा लगता है। है। आपका घर में कौन कौन से है, कौन कौन है? पापा है, माँ है, भाई है। और शादी नहीं हुआ आपका? शादी भी हो गया, बीवी है, बच्चा? बच्चा है, लड़की है। लड़की है सब, तो आप बहुत स्ट्रगल कर रहे होंगे, घर से दूर रहते हैं, तो आपको बुरा नहीं लगता है? बुरा है। तो ये जो दुर्गा पूजा था आप लोगों का बंगाल में, तो दुर्गा पूजा था, तो दुर्गा पूजा में घर गए थे आप? नहीं नहीं नहीं, घर नहीं जा पाए ना। नहीं। ये जो हम लोग का जो हीरो है यानी ये हम लोग का ट्रक ड्राइवर राजू दा, ये दुर्गा पूजा में भी दोस्तों घर नहीं जा पाए, ये सोचिए कितना बुरा लगता है ये सोच के। इनका एक बेटी भी है, छोटा होगा, ऑब्वियसली छोटा ही होगा, तो ये अपने बेटी को बेटी के पास भी जाने नहीं सका। ये जो इसका गाड़ी है ये इसी में शायद आपने दुर्गा पूजा काट दिया ना। तो दोस्तों देखिए, ये हम लोग का असल में हीरो, अगर ये लोग नहीं होते तो हम लोग का ये जो ट्रांसपोर्ट बिजनेस है, हम लोग का जो ये इकोनॉमी है, ये नहीं चल पाता। तो दोस्तों अगर आप लोग कभी भी रास्ते में ऐसा ट्रक ड्राइवर देख लिए जो जाम में अटक गया या फिर कुछ भी उन लोग के साथ कुछ भी हुआ है, तो दोस्तों मैं चाहूँगा आप लोग उन लोगों के पास जाइए और उन लोगों को थोड़ा हेल्प कीजिए। ऐसा नहीं है जो दोस्तों वो लोग भी इंसान है, उन लोग को भी थोड़ा इंसान जैसा देखिए और उन लोग को हेल्प कीजिए। वो लोग असल में हम लोग का इस देश का इकोनॉमी का हीरो है। थैंक यू राजू भैया मेरे इस चैनल में आने के लिए, आशा करता हूँ आप जो ये कर रहे हैं ये आप बहुत आगे जाए। और दोस्तों अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है, कुछ भी सुझाव है मेरी इस वीडियो के ऊपर, तो कमेंट में लिखिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को राजू दा को अच्छा लगा है और मेरा ये वीडियो को अच्छा लगा है, तो दोस्तों प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी इनेबल कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए और आप लोग उस वीडियो को एंजॉय कर पाए। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को टाटा 31 के बारे में जानना है, तो मेरी इस वीडियो को देखिए, जिसका आई बटन में लिंक होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया रहेगा। तो दोस्तों आखिर में ये मैं कहना चाहूँगा, जो ट्रक ड्राइवर होते हैं वो कोई भी देश का इकोनॉमी का हीरो होते हैं और उन्हें भी हम लोग को रेस्पेक्ट देना चाहिए। ये ट्रक ड्राइवर अपने घर से दूर रह के हम लोग का सामान टाइम में पहुँचाते हैं। और ऑफेंडली दोस्तों हम लोग रास्ते में देखते हैं कि इन ट्रक ड्राइवर को हम लोग गालियाँ दे देते हैं, पुलिस वाला परेशान करता है। तो दोस्तों मैं चाहूँगा आप लोग फ्यूचर में ऐसा ना करें और उन्हें भी रेस्पेक्ट दें, क्योंकि वो भी ये डिजर्व करते हैं। थैंक यू दोस्तों मेरा ये वीडियो देखने के लिए, और मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में कोई और टॉपिक का साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।